अच्छा जी, CSS 2018 का पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। इसमें कहा है कि एक चार्ट गिवन है फॉर अ फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर, वो किस किस हेड्स पे क्या क्या खर्चा करती हैं। तो उन्होंने फूड के बारे में बताया कि फूड पे वो 15%, यूटिलिटीज़ पे 8%, लोकल टैक्स पे 10%, रेंट पे 26%, चाइल्ड केयर पे 15%, ट्रैवल पे 10%। तो वो आपसे कह रहा है कि फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन अदर्स, अदर्स पे उसने लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है कि अदर्स पे फैमिली एक्सपेंडिचर कितना करती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका 100% है, बाकियों को सबको आपने ऐड करना है। 15 × 8 = 23 और 10 = 33, 33 + 26 = 33 और 26 जो है वो हो गया 59 + 15 = 74, 74 + 10 = 84, 84% तो सब इन पे खर्चा हो रहा है। तो रिमेनिंग परसेंट कितना हुआ, 100 में से 84 माइनस कर दें तो यू विल गेट द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट जो पांच नंबर का है। तो 100 माइनस 84 योर आंसर विल बी 16%। 16% वो खर्चा करते हैं किस पे, अदर्स पे। तो पहला पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि यूटिलिटीज, फूड और रेंट, हाउ मच ऑफ फैमिलीज टोटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट। फूड, यूटिलिटीज और रेंट तीनों को मिला के ये कितना परसेंट बनता है, जो फैमिली का कितना फ्रैक्शन बनता है टोटल एक्सपेंडिचर का। फूड का है 15%, यूटिलिटीज का है 8%, दोनों को मिला दें 23%, और रेंट है 26%, 23 और 26 49%। तो 49% का अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी कहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो गया, 50% हो गया। तो फ्रैक्शन में अगर हम इसको करें 50%, वो क्योंकि कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फैमिलीज जो है वो फूड, यूटिलिटीज और रेंट पे करते हैं। तो 50% का मतलब ये है कि 50/100 = 1/2। तो इसका मतलब ये है कि फैमिली ऑलमोस्ट हाफ ऑफ, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ देयर मंथली इनकम जो है वो इन तीन चीज़ों पे एक्सपेंड करती है। किन पे, फूड, यूटिलिटीज और रेंट पे, अप्रोक्सीमेटली 1/2। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है फैमिली स्पेंड्स 11,600 ऑन यूटिलिटीज। फैमिली जो है वो 11,600 रुपये यूटिलिटीज पे खर्चा करती है। तो फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो हमें पता है कि यूटिलिटीज रिप्रेजेंट हाउ मच, 8% ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन के 8% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम हमें जाहिर सी बात है एक्सपेंडिचर का पता नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर 8% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 11,600। वो सवाल भी यही पूछ रहा है कि फैमिली के टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो हमें पता है कि फैमिली जो यूटिलिटीज पे खर्चा करती है वो 8% है, और वो अमाउंट कितनी है, 11,600। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8% मतलब 8/100 × x इज इक्वल टू 11,600। तो ये 100 उस तरफ जाके सिंप्लीफाई करते हैं, तो 611,600 × 100 / 8, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, बाकी आपका हो गया 36, 36 पे टेबल 8 की 4 टाइम्स, बाकी बचा आपका 40 हो गया। तो 1,45,10,20,30, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 1,45,000 रुपीज टोटल जो है घर का एक्सपेंडिचर है, रुपीज में 1,45,000 घर का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1,45,000 अगर वो यूटिलिटीज़ पे 11,600 रुपया खर्च करते हैं। तो ये आपका ए, बी और सी पार्ट कवर हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में वो कह रहा है अदर्स कंप्राइजेज ऑफ सेविंग्स, एंटरटेनमेंट और लग्जरी। ये जो अदर्स वाला आइटम था
वो तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है, कौन से? सेविंग्स पे, एंटरटेनमेंट पे और लग्जरी पे। तो अगर फैमिली की मंथली इनकम 24,000 है तो आपको ये बताना है कि सेविंग्स वो कितनी करते हैं। पहले तो हमें 24,000 के हिसाब से मालूम ये करना होगा कि फैमिली अदर्स के हेड में खर्चा कितना करती है। अदर्स के हेड में खर्चा हो रहा है कितना, हमने निकाल लिया था कितना, 16%। तो सबसे पहले तो हम अदर्स के हेड पे जो है वो मालूम करते हैं कि अमाउंट कितनी बनती है, फिर उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 16% ऑफ कितनी अमाउंट है, टोटल टोटल अमाउंट है 24,000। तो 16% ऑफ 24,000 कितना हो जाएगा, 16/100 मल्टीप्लाइड बाय 24,000। 1010 में दूसरा जीरो, दूसरा जीरो में 240 मल्टीप्लाइड बाय 16। 240 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो आपका आंसर आएगा 38 और 80। ठीक है जी। और वैसे भी अगर आप इसको ब्रेक करें तो कितना अमाउंट हो जाएगा, 10% इसका हो जाएगा 2400, 5% 1200, 3600 और 1% 240। तो 36 और 240, 38, 40, ये हो जाएगा 38, 40। तो ये अमाउंट टोटल है जो अदर्स के हेड पे खर्चा हो रहा है। और अदर्स का हेड जो है वो कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, सेविंग्स, एंटरटेनमेंट और लग्जरी आइटम्स। तो इसको हम अगर हम सिंप्लीफाई करें तो टोटल शेयर कितना हो गया, टोटल हो गया 3 + 4 + 1, हाउ मच, 8। टोटल शेयर है 8 और उसमें से सेविंग्स का कितना है, 3। तो सेविंग्स जो है, जो फैमिली करती है सेविंग्स, इज इक्वल टू 3 out of 8 मल्टीप्लाइड बाय वो अमाउंट जो हमने निकाली है, 38, 40। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, बाकी बचा 6, वो हो गया 64। 64 पे 8 की टेबल, 8 टाइम्स, तो वो हो गया 64 और आखिर में 0। तो ये आपका आंसर आ गया 480 मल्टीप्लाइड बाय 3। 480 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 वैसा का, 8 × 3 = 24, 2 ऊपर चले जाएंगे और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14। तो ₹1440 जो है फैमिली हर महीने सेव करेगी एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन रेशो। तो आपका आंसर है ₹1440, दूसरे का आंसर है 1,45,000, तीसरे का आंसर है 1/2 अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ देयर फैमिलीज इनकम, और पहले का आंसर है 16%। ये चारों पार्ट आपके सॉल्व हो गए क्वेश्चन नंबर 7 CSS 2018 के। अब हम इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।